Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students how are you all i hope you are all fine our today's lecture is of oxford progressive english level 5 let's start our lecture unit 8 lesson 6 reading sarah's story read sarah's story as you know students we have learned about unit 8 lesson 1 and 2 previously now we, we, we are going to start lesson number 3 Read Sarah's story and answer the question. Why were the numbers of green turtles falling? Find problems in the text to match the pictures. Parveen and I have just arrived at the Marine Turtle Project. It is at Hawks Bay near Karachi. We are going to stay here for a few days and help. Dasind, Wildlife Department SWD Sindh Wildlife Department set up the Marine Turtle Project in 1979. Before that, the number of turtles in Pakistan was falling. Now, turtles cannot be hunted or killed for food, and the eggs cannot be collected. The project has been the project has been a ग्रेट सक्सेस अ few hundred turtles came ashore to lay their eggs in 1979 but over a thousand came in 2004 टू थाउजेंड फोर दो करेक्टर्स की बात हो रही है परवीन एंड आए ये दो करैक्टर आए मतलब सायरा परवीन और सायरा जो हैं ये मेरीन टर्टल प्रोजेक्ट के लिए पे काम कर का रही थी जो कि टर्टल सेविंग प्रोजेक्ट है जिसके तहत टर्टल्स को सेव किया जाएगा उनकी नस्ल को जो एक्सटिंक्ट होती जा रही है उसको सेव किया जाएगा उनके एग्स को सेव किया जाएगा ताकि मज़ीद जो है इनको तबाह होने से बचाया जा सके Dr. Fahmida Fedos has been working at the SWD as we have discussed SWD is in the welfare department wildlife department since 1980. She loves the turtles and her nickname is the turtle lady of Karachi. She says turtle have turtles have excited, existed since the age of the dinosaurs. दैट्स अबाउट हंड्रेड मिलियन ईयर्स शी विजिट स्कूल एंड शोज़ आर डीवीडीड ऑफ दी कंजर्वेशन वर्क शी टेल्स दी चिल्ड्रेन हाउ इम्पोटेंट दर्टल्स आर डॉक्टर फहमीदा फिर दोस्त जो हैं ये इस प्रोजेक्ट पर सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का जो प्रोजेक्ट है टर्टल सेविंग का इस पर काम कर रही हैं और इनको इनका निक नेम जो है वो टर्टल लेडी भी कहा जाता है इन्हें ये इनके मुताबिक डरी टर्टल्स जो हैं ये इतने ही पुराने हैं जितने पुराने डायनासॉर्स हैं यानी हंड्रेड मिलियन ईयर्स हो गए हैं इन्हें भी वो मुख्तलिफ़ स्कूलों में गई वो कौन डॉक्टर फहमीदा फिरदोस ये मुख्तलिफ स्कूल्स में गई उन्होंने कंजरवेशन टर्टल कन्जरवेशन के हवाले से वीडियोज़ दिखाई और लोगों को और बच्चों को उसकी अहमियत के बारे में बताया देर आर सेवरल प्रॉब्लम्स फॉर दी टर्टल्स मोस्ट ऑफ़ दैम कॉज्ड बाई ह्यूमेंस बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं टर्टल सेविंग के लिए जिनमें से बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ह्यूमन क्रिएटेड हैं मैंस क्रिएटेड हैं मैनी टर्टल्स बिकम ट्रैप्ड इन फ़िशिंग नेट्स बहुत से टर्टल्स जो हैं वो फिशिंग नेट में ट्रैप हो जाते हैं और दे बिकम पॉइजनड और वो ए, शिकार हो जाते हैं उस पोल्यूशन का जो कि इंसानों इन, ने समंदर को गंदा करके उसमें पैदा की है फर्दर मोर पीपल आर बिल्डिंग मोर हट्स नियर दी बीच बीच बीचिस के करीब जो है लोगों ने बहुत से हट्स जो हैं वो बना लिए बीच बना लिए हैं हट्स बना लिए हैं सो द टर्टल्स कैन नाट फाइंड स्टील टर्टल सैंडी बैंक्स और टर्टल्स को जो है वो सैंड वाली जगह नहीं मिलती टू तो टिकर नट्स अपने घर बनाने के लिए सम पोचर्स स्टील टर्टल्स एग कुछ शिकारी ऐसे भी हैं जो टर्टल के एग्स को स्टील कर लेते हैं चोरी कर लेते हैं और उनके जो बड़े टर्टल्स हैं उनको खुराक के लिए मार मार दिया जाता है आल दो दे आर कॉल्ड ग्रीन टर्टल्स बेशक इन्हें ग्रीन टर्टल्स कहा जाता है दे एक्चुअल कलर इज़ ब्लैकिश ब्राउन उनका जो असल में कलर है वो ब्लैकिश ब्राउन यानी ब्राउन कलर और ब्लैक का मिक्सचर है और ग्रीनिश येलो या ब्लैक और ब्राउन का मिक्सचर है या ग्रीन और येलो का मिक्सचर है दे कैन ग्रो अप टू वन पॉइंट फाइव मीटर्स लोंग ये डेढ़ मीटर लंबे एंड वेट अप टू टू हंड्रेड के जी या और दो सौ किलोग्राम वज़नी हो सकते हैं दे एट सी ग्रास वो सी ग्रास खाते हैं एट दॉटम ऑफ द सी जो कि सी की बॉटम में होती है नीचे होती है वाइल वी वर देअर वी वेंट आउट एंड कलेक्टेड एग्स हम चूँकि उधर थे इसीलिए हमने एग्स कलेक्ट किए ईच ऑफ अस वॉश्ड एंड अडल्ट फीमेल टर्टल हम में से हर कोई जो है वो फ़ीमेल टर्टल के साथ उस जगह पे वॉक कर रहा था इन टू सैंड सैंड ड्यून्स में देन वी वास्ड क्वाइटली इसलिए ताकि उनके एग्स को सेव किया जा सके देन वी देन वी वास्ट क्वाली वाइल्ड शी लेड हर एग्स जब वो अंडे दे रही थी इन दी सेंड सेंड में रेत में एंड कवर्ड दम और उसने उसने उन्हें कवर कर दिया वेन शी लेफ्ट शी हैड लेफ्ट एंड गैक टू द सी जब वो वापस चली गई सी में वी मार्क्ड दाइड विद द स्टिक तो हमने एक स्टिक के साथ उस जगह को मार्क कर लिया द नेक्स्ट स्टेज वॉज टू अनकवर द एग्स हमने उन कवर्ड एग्स को जो है वो अनकवर किया इफ़ वी लेफ़्ट देम इन सैंड अगर हम उन्हें ऐसे ही सैंड में रहने देते रेत में रहने देते वाइल्ड डॉग्स वुड डिग जंगली कुत्ते जो हैं वो आ जाते उस जगह को खोदते देख दैम अप एंड ईट दैम और उन्हें खा जाते सो वी अनकवर्ड डैम हमने उसे निकाला बाहर बहुत आराम से पुट दैम इन बॉक्सेस और हमने बॉक्सेस में रखा एंड कैरिड डैम बैक टू दी रिज़र्व और रिज़र्व में वापस ले गए देर वर देयर वी बरीड डैम और इन होल्स उधर हमने इन्हें होल्स में बरी किया दफनाया दबाया इन पेंस वेयर दी डॉग्स कैन नाट गेट एट दैम जहाँ तक कुत्ते जो हैं जंगली कुत्ते वो उस तक नहीं पहुंच सकते थे द टर्टल्स विल हैच आउट ऑफ देयर एग्स इन अबाउट फोर्टी टू सिक्सटी डेज टाइम चालीस से साठ दिनों में टर्टल्स जो हैं वो अपने एग्स से बाहर आ जाते हैं द ग्रेटेस्ट डेंजर फॉर टर्टल्स इन इज़ इज़न दे आर टाइनी सबसे ज़्यादा ख़तरा जो है होता है टर्टल्स को वो तब होता है जब वो बहुत छोटे होते हैं फर्स्ट दे हैच आउट ऑफ देयर एग्स सबसे पहले वो अपने एग्स में से बाहर आते हैं विच आर बरीड इन सैंड जो सैंड में रेत में दफन किए हुए होते हैं या दबाए होते हैं देन दे मस्ट कम अपू दर्फेस एंड क्रॉल ऑफ मीटर्स डाउन टू दी एज ऑफ द सी और फिर वो सरफेस पे आने के बाद चलते हुए दरे दरिया या समंदर की तरफ किनारों की तरफ़ जाने की कोशिश करते हैं एट दिस टाइम इस वक्त बर्ड्स फ्लाई ओवर द बीचज बर्ड्स जो हैं मुख्तलि परिंदे वो बीच के ऊपर फ्लाई कर रहे होते हैं स्वूप डाउन एंड पिकअप द बेबी टर्टल और वो जो हैं वो उन्हें उठा लेते हैं अपनी खुराक के लिए I asked another helper. मैंने एक और मददगार से पूछा। Why can't we carry the baby turtles down to the edge of the sea? हम खुद क्यों नहीं baby turtle की मदद कर देते sea के अंदर जाने के लिए? Then we will only have a short walk to the water. तो उन्हें भी थोड़ी आसानी हो जाएगी और उनकी life बच सकेगी। I learned that the baby turtles हैव टू वॉ दे फिर मुझे इस बात का पता चला कि बेबी टर्टल्स को अपने लिए ख़ुद मदद अपने आप की मदद ख़ुद करना पड़ती है अगर वो ऐसा ना करें बिकॉज एज दे वॉक देअर फ्लिपर्स अगर वह ऐसा ना करें देयर फ्लपर्स उनके फ्लिपर्स जो हैं वो स्ट्रोंग नहीं होंगे ऐसा उन्हें इसलिए करना पड़ता है ताकि उनके फ़्लिपर्स जो हैं बिकम स्ट्रोंगर मजीद स्ट्रांग हो सकें इफ़ वी कैरिड देम इन टू दी वाटर अगर हम उनकी मदद करेंगे और हम उन्हें वाटर में छोड़ कर आएँगे दे वुड नाट बी एबल टू स्विम तो वो तैरने के काबिल नहीं रहेंगे बिकॉज देयर फ्लिपर्स वुड बी टू वीक क्योंकि उनके फ्लिपर्स जो हैं वो बहुत वीक होंगे वेल वी लर्न अलॉट एट दी रिज़र्व बहरहाल हमने इस सारे प्रोसीजर में इस सारे प्रोजेक्ट में बहुत कुछ सीखने को मिला ओके स्टूडेंट्स इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी कमेंट यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स स्टे सेफ अल्लाह हाफिज़